बीजेपी ने फिर लांघी सारी मर्यादाएं। गोद में बिठा के दूध पिलाती है। राजगढ़ की महिला अधिकारियों को दी गाली। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को से दूध पिलाती है। सरेआम मंच से बहुजन बेटियों का अपमान। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे इंदिरा गांधी से नहीं करे पिद्दी और पिद्दी के सोर में। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को से दूध पिलाती है। गोद में बिठा के दूध पिलाती है। मंच से बेहूदी बयानबाजी कर रहे ये हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता बद्रीलाल यादव। पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव ने तो भाषाई मर्यादा को भी तार तार कर दिया। उन्होंने राजगढ़ की कलेक्टर निधि निवेदिता और डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा को लेकर बेहद शर्मनाक टिप्पणी की है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को से दूध पिलाती है। गोद में बिठा के दूध पिलाती है और भारतीय जनता पार्टियों के साथ चाटा मारती है, झंडा मारती है। ये बदले की भावना है। अरे ये कांग्रेस बीजेपी ये एक दो पात्र है। जिस मंच से बद्रीलाल यादव महिला अधिकारियों पर कीचड़ उछाल रहे थे उसी मंच पर एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। लेकिन देश की बेटियों के इतने अपमान पर भी शिवराज ने ना तो आपत्ति जताई बल्कि खुद ही बदजुबानी कर डाली। अरे घर का कानून है आपका, जब चाहे ये हाथ चला देंगे और हाथ किसको उठाएंगे जो भारत माता की जय बोल रहे थे वो हाथ जोड़ रहे हैं जाने लीजिए में भारत माता की जय और भारत माता की जय बोली और गाय का थप्पड़। और केवल कलेक्टर नहीं, नीचे एक और अफसर दौड़ रहे हैं मैदान में। ये क्या तमाशा है पूछे चाहता। और आज ग्यावरा की सभा में मैं साफ कहना चाहता हूं, जुल्म के आगे हम झुकने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हम इंदिरा गांधी से नहीं डरे पिद्दी और पिद्दी के सोर में। बीजेपी नेताओं की इस गलत बयानी पर एमपी की राजनीति भी गर्म है। कांग्रेस ने बीजेपी के महिला विरोधी बयानबाजी का कड़ा विरोध किया है। भारत की धरा पर कौरवों का भी अभिमान घमंड नहीं टिका था। कौरवों ने भी वो कृत्य करे थे जो आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो कर रहे हैं। जिस तरीके से गोपाल भार्गव जी का महिला को वेश्या से संज्ञा देना और आज जिस शब्दावली का प्रयोग एक समय कौरवों में से दुशासन ने किया था, द्रौपदी के संग जो दुस्साहस किया था, आज वही दुस्साहस बद्रीलाल यादव जी ने राजगढ़ कलेक्टर के संग किया है। महिला के संग इस तरीके का व्यवहार करना, महिला के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग करना भारतीय जनता पार्टी के संघ के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र बताता है कि वे किस चरित्र, किस सोच, किस विचारधारा के व्यक्ति। सोशल मीडिया पर भी बीजेपी का जबरदस्त विरोध हो रहा है। लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर लिखा, आपके इसी मंच से आज महिला अफसरों को दूध वाली गाली दी गई। आप मंच पर मौजूद थे, आपको मना करना चाहिए था, शर्म तो आपको भी आई होगी। वैसे कमलनाथ सरकार को उस नेता के बयान पर निर्भया एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इससे पहले एमपी विधानसभा में बीजेपी के नेता गोपाल भार्गव ने भी महिला अधिकारियों पर बेहद शर्मनाक टिप्पणी की थी। हमने माननीय चेयरमैन जी के साथ बदलते हैं अधिकारी वाले मेशाम ज्यादा कपड़े बदलते। चिल्ला चिल्ला कर भारत माता की जय बोलने वाली बीजेपी महिलाओं का कितना सम्मान करती है ये आप इन नेताओं के बयानों को सुनकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि राजगढ़ में नागरिकता कानून के समर्थन में आयोजित रैली के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा के साथ बदसलूकी की थी।
उनके बाल खींचे गए और उनके साथ हाथापाई भी की गई। अपने कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर माफी मांगने की जगह बीजेपी नेता सरेआम महिला अफसरों का अपमान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।